गाय को पशु न माने वे चलता फिरता डॉक्टर है, भारतीय कृषि का आधार है। गाय को केवल दूध के लिए न पाले, गाय का गोबर और गौमूत्र दूध से भी ज्यादा कीमती है। इस बात का खुलासा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय गौरक्षा प्रमुख शंकर लाल ने रामपुर में किया। उन्होंने रामपुर में गौशाला संचालकों को पशुओं में लगने वाली बीमारियों और गाय के दूध गोबर और गौमूत्र में औषधीय गुणों की जानकारी दी। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि देश में जो भी लोग गौ पाल रहे हैं उनमें से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि गाय के महत्व को समझो और गाय का गौमूत्र व गोबर व दूध औषधीय होने के साथ साथ खेती के लिए भी सबसे उपयुक्त उर्वरक है। इस दौरान हिमाचल गौ रक्षा प्रमुख दिनेश पंडित और पंजाब से आए चंद्रकांत ने भी गाय के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, हमारी भारतीय गाय बचेगी तो हमारा देश, संस्कृति, अर्थव्यवस्था व किसान सब कुछ रहने वाला है। आरएसएस के राष्ट्रीय गौ रक्षा प्रमुख शंकर लाल ने बताया कि गाय को पशु नहीं माने, वे चलता फिरता डॉक्टर है, हमारी कृषि का आधार है, इसलिए केवल दूध के लिए गाय नहीं पालना है। गाय के गोबर गौमूत्र दूध से ज्यादा कीमती है। अगर गौमूत्र की कीमत लोग समझ जाएंगे तो गाय को कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ेगा। गाय को हम पशु नहीं माने, वो चलता फिरता डॉक्टर है, हमारी कृषि का आधार है, इसलिए केवल दूध के लिए गाय नहीं पालना। गाय का गोबर गौमूत्र दूध से ज्यादा कीमती है और इसलिए अगर हम गोबर गौमूत्र की कीमत करेंगे तो गाय कोई भी व्यक्ति छोड़ेगा नहीं, और मरने के बाद गाय को किसी को देना नहीं, उसको समाधि देना, तो समाधि खाद, सिलिका खाद और सिंक खाद, उससे मरने के बाद कई लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। पंजाब से आए चंद्रकांत ने बताया कि भारतीय गाय की रक्षा और संवर्धन जरूरी है, भारतीय गाय के पंचगव्य से बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की छोटे कद की गाय भले ही दूध कम देती हो लेकिन इसके दूध गोबर गौमूत्र में कई औषधीय गुण हैं, इसलिए गाय को अमृत देने वाली है और इसका पूरा प्रचार प्रसार किया जाए के लिए उसकी सेवा हो, रक्षा हो, उसका संवर्धन हो, उसको प्रजाति को, भारतीय गाय की प्रजाति को बचाने के लिए पूरे देश के अंदर हमारे आदरणीय मनी शंकर लाल जी, अजीत भाई जी, राघवन जी और हर प्रांत के अंदर ऐसे कुछ कार्यकर्ता विशेष रूप से इस काम को कर रहे हैं और सारे समाज को अवेयरनेस लेके आ रहे हैं कि गाय के पंचगव्य से बहुत कुछ हो सकता है। तो केवल दूध ही नहीं, तो गोबर और गोमूत्र से हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, गौ आधारित खेती कर सकते हैं। और जिस दिन हमारा समाज, हमारा किसान इस चीज के पीछे चल पड़ा और इस चीज को अपनाने लगा, उसको स्वाभाविक रूप से फायदा होगा, तो हमारी गौ की रक्षा होगी ही होगी। हम क्यों